हिजाब क्रांति से बौखलाई ईरानी सरकार बगावत की आवाज को कुचलने के लिए लड़कियों को सेक्सुअल असॉल्ट कर रही है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान ने दावा किया कि ईरानी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कम से कम 574 यूनिवर्सिटी छात्राओं को गिरफ्तार कर लापता कर दिया। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि उन छात्राओं को सेक्सुअल असॉल्ट के बाद गायब कर दिया गया। हालांकि जानकारों का मानना है कि ईरान से लापता छात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन आंकड़ों में सभी प्रांतों के डेटा शामिल नहीं है। ईरानी सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह के एंटी गवर्नमेंट आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। वहीं कुर्द आबादी वाले इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज निरंतर और घातक कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ईरानी आवाम ने हिजाब के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। आलम यह है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र प्रशासन के खिलाफ शहर शहर सड़क सड़क बेकाबू है। लेकिन इस बगावत को कुचलने के लिए ईरानी सरकार किस हद तक साजिश रच रही है, उसका उदाहरण खराजमी और अर्क यूनिवर्सिटी में नजर आया। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में भाग लेने वाले 1200 छात्रों की तबीयत अचानक खराब हो गई। ये छात्र खराजमी और अर्क यूनिवर्सिटी के हैं, जो सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले थे। फूड पॉइजनिंग का शिकार इन छात्रों ने खाना खाने के फौरन बाद उल्टी, शरीर में दर्द और चक्कर आने की शिकायत की। इसके अलावा अन्य 4 संस्थानों के छात्रों ने भी विश्वविद्यालय में खाना खाने के बाद इसी तरह की शिकायतें की। इसके विरोध में ईरान की कई यूनिवर्सिटीज के छात्र कैफेटेरिया के खाने का बहिष्कार कर रहे हैं। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जमीन पर कूड़ेदान पड़ा है और उस कूड़ेदान को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर रखा है। इस कूड़ेदान के ऊपर बुरका पहने महिला खड़ी है, जो इस्लामिक देश ईरान में बहादुरी की मिसाल है। यह महिला लगातार अपने पांव पीट रही है और अकेले ही ईरानी सरकार को ललकार रही है, चुनौती दे रही है कि हम कट्टरवाद की भट्टी में झुलसने को तैयार नहीं। दरअसल यही तस्वीरें ईरान की सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि ईरान की अनैतिक पुलिस, जिसे मोरालिटी पुलिस कहा जाता है, उसके अत्याचार से इस कदर प्रताड़ित है कि इन्हें अपनी जान तक की परवाह है। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में भड़की हिंसा की ये सबसे ताजा तस्वीर है। इस वीडियो में एक शख्स एक घर के दरवाजे पर पेट्रोल छिड़कता नजर आ रहा है और फिर वहां अचानक धमाकों के बाद आग लग जाती है। ये शख्स पहले दरवाजे पर पेट्रोल छिड़कता है, फिर दूसरे दरवाजे पर भी पेट्रोल डालता है। इस दौरान पहले दरवाजे पर धमाके के साथ धुआं उठता है, लेकिन ये शख्स दूसरे दरवाजे पर पेट्रोल छिड़कने के बाद कुछ फेंक कर मारता है तो उससे भीषण लपटें उठने लगती हैं। ये तस्वीरें ईरान की बुशेहर शहर की बताई जा रही हैं, जहां बशीज मिलिशिया को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ईरानी सरकार इन जगहों पर गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को लाती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, लेकिन अब ये टॉर्चर रूम बगावत की आग में जलकर स्वाहा हो गए हैं। लोगों की भीड़ खड़ी है, नारेबाजी जारी है, टायर और कूड़ेदान धधक रहे हैं, क्योंकि ईरान सरकार ने मॉरलिटी पुलिस को भंग करने के नाम पर धोखा किया है। भले ही ईरान दुनिया की आंखों में धूल झोंके, लेकिन ईरानी नागरिक इस बात से बेहतर परिचित है कि उन्हें गुमराह किया गया। उसी का नतीजा है कि ईरान में 3 दिवसीय प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और खुमैनी तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए शहर शहर आगजनी कर रहे हैं। एक कतार में टायर जल रहे हैं, टायरों को सुलगाने के लिए एक शख्स डब्बे से पेट्रोल छिड़कता नजर आ रहा है। इस वीडियो में नारेबाजी सुनाई दे रही है। पूरी सड़क जाम है और टायर धू धू कर चल रही है। प्रदर्शनकारियों को सरकार की बातों पर एतबार नहीं है और अब वे कट्टरवाद की जंजीरों से आजादी चाहते हैं। ईरान में इस्लामिक सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली कई लड़कियां, महिलाएं लापता हैं। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान का दावा सन करने वाला है। इस दावे की पुष्टि कई मामले करते हैं, जिनमें से एक केस अर्मिता अब्बासी का है। ईरान में हिजाब के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाली अर्मिता करीब 2 महीने से लापता है। अर्मिता की लोकेशन, हेल्थ स्टेटस के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। आखिरी बार अर्मिता को अस्पताल में देखा गया था, तब मेडिकल स्टाफ ने खुलासा किया था कि अर्मिता के साथ रेप किया गया है, साथ ही उसका अपहरण भी किया गया है और उसकी जान खतरे में है। ईरानी एथलीट
एलनाज राकबी को बिना हिजाब एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की कीमत अपना घर गंवाकर चुकानी पड़ी। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जहां एलनाज का घर था वहां मलबे का ढेर पड़ा है। जमीन पर एलनाज के ढेरों मेडल पड़े हैं जो एलनाज ने अपने देश ईरान के लिए जीते थे, लेकिन शायद ईरान सरकार के लिए एलनाज के मेडल से ज्यादा अपनी कट्टरपंथ सोच से प्यार है। वीडियो में एलनाज के भाई रोते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं ईरान के प्रशासन ने इस कार्रवाई के पीछे की वजह कुछ और बताई है। प्रशासन के मुताबिक इस घर के निर्माण के लिए एलनाज के परिवार के पास वैध परमिट नहीं था। गौरतलब है हाथ में फ्लावर्स और चेहरे पर दरिंदगी के निशान के साथ प्यारी सी मुस्कान, 33 साल की मीना याकोबी को एक महीने जेल में रखने के बाद आखिरकार रिहा कर दिया गया। आंख के नीचे काला निशान और चेहरे पर चोट की मार साफ जाहिर करते हैं कि आखिर मीना ने जेल में क्या सहा। दरअसल मीना को ईरान की सरकार ने विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके साथ किस हद तक हैवानियत की गई उसका चेहरा गवाही दे रहा है। ईरान ने मॉरेलिटी पुलिस पर क्या फरेब किया, ये सवाल अब बेहद बड़ा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि तेहरान के एम्यूजमेंट सेंटर पर एक महिला कर्मचारी बिना हिजाब के नजर आई, जिसके बाद इस सेंटर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया और महिला कर्मचारी के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कर दिया गया। ये नारे लग रहे हैं ईरान की राजधानी तेहरान की खजीह नासिर यूनिवर्सिटी में। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ईरान की भूमिका कटघरे में है। ईरान पर आरोप है कि रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान ड्रोन के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद रूस को दे रहा है। ऐसे में ईरानी छात्रों ने सुप्रीम लीडर खुमैनी की वजीहत कर डाली है। ईरान में जिसे जहां मौका मिल रहा है वो घर के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार बैठा है। सड़कें हो, कॉलेज हो या फिर रेलवे स्टेशन, इस वीडियो में सबवे स्टेशन पर खड़ी लड़कियां प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। लड़कियां नारेबाजी कर रही हैं, हमें बच्चे का हत्यारा शासन नहीं चाहिए। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो तेहरान के सैदगीह सबवे स्टेशन का है, जहां इन प्रदर्शनकारी लड़कियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कॉलेज की ये छात्राएं ईरान के सबसे क्रांतिकारी गाने बरेह को गा रही हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये ईरानी छात्राएं क्रांतिकारी गीत बरेह गाकर प्रशासन और सरकार को चुनौती दे रही हैं। ड्रम की थाप के साथ इतने साल के अत्याचार के नारे, तस्वीरें तेहरान से सटे एक बटन की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों के इकट्ठे होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। ईरानी महिलाएं अपना हक मांग रही हैं। वो हिजाब के हिसाब के लिए बेकरार हैं। वो कट्टरवाद की बेड़ियों को तोड़ देना चाहती है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो ईरान के मशहद शहर का बताया जा रहा है, जहां प्रदर्शनकारी सड़कों पर नारे लगाते नजर आ रहे हैं। सिर्फ मशहद में ही नहीं, ईरान के हर प्रांत में इस तरह के नारे गूंजने लगे हैं, जो खुमैनी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। ये ईरान में मौजूदा हालात की ताजा तस्वीरें हैं। सुप्रीम झूठ के बाद प्रदर्शनकारियों में उबाल है और नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर ईरान का झंडा जला रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पाव पटक रहे हैं। ये खौफनाक तस्वीरें भी ईरान की हैं और मौजूदा हालात को देखकर लग रहा है कि जिस क्रांति को दबाने के लिए ईरान ने सुप्रीम चाल चली थी, अब वो क्रांति के पहले भी रौद्र रूप धारण करने वाली है। प्रदर्शनकारी इस घर को जलाने के लिए एक के बाद एक आग के गोले सुलगाकर फेंक रहे हैं। ईरान में पुलिस ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक बच्चे को बेरहमी से पीटा जा रहा है। पुलिस वाले एक बच्चे पर लगातार हाथ उठा रहे हैं। कई पुलिस वाले इस बच्चे को घेर कर खड़े हैं ताकि इनकी दरिंदगी के सबूत बाहर न जा पाए।
लेकिन ईरान की तानाशाही का ये वीडियो किसी बहादुर शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस्लामिक वेशभूषा में लोग बीच में खड़े नजर आ रहे हैं। ये शख्स ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रहीसी हैं, जो तेहरान विश्वविद्यालय का दौरा करने पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। दरअसल पूरे ईरान में खासकर छात्रों ने ईरानी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हालात ये हैं कि सरकार को क्रांति दबाने के लिए षड्यंत्र रचने पड़ रहे हैं। ईरान में एक लड़की मरने के बाद देश में हीरो बन गई है। देश भर में महिलाएं सड़कों पर बाहर निकल आई हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस लड़की यानी महसा अमीनी के लिए न्याय की मांग की जा रही है। महसा 22 साल की ईरानी युवती थी, जो लंबे समय से महिलाओं की हक की आवाज बुलंद कर रही थी। महसा ने महिला ड्रेस कोड के खिलाफ अपने बाल कटवा लिए थे। खुले तौर पर अपने कटे बालों और हिजाब के बगैर महसा सार्वजनिक तौर पर आवाजाही करने लगी। वहीं ड्रेस कानून को लेकर ईरान में एक मॉरेलिटी पुलिस है, जिसका काम सख्त तरीके से इस इस्लामिक देश में ड्रेस कोड को लागू करना है।